हे दोस्तों नमस्ते। कुछ सवाल आए हैं रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में, और कोरोना के बारे में कि ये जब प्रॉब्लम होता है, ये जो समस्या होती है, तो ये होती क्यों है? रोग प्रतिकारक शक्ति अगर अच्छी हो तो क्या इन सारे रोगों से लड़ा जा सकता है? मेरा जवाब है हाँ। ये क्यों है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए आने वाले कुछ सालों के अंदर आप फिर एक नई बीमारी है वो पाएंगे, तो किसी ना किसी देश से कोई ना कोई बीमारी आती ही रहेगी। आपको उन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करने से ज़्यादा अच्छा है आप अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको अच्छा बनाएं। सो आज अगर आप ये समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी नई बीमारियां आती हैं, ये मलेरिया हो जाए या डेंगू हो जाए या कोई भी बीमारी है जो बाहर से आती है, जो आपके स्किन के अंदर यानी आपकी त्वचा के अंदर एंटर करती है, या आपके खून के संक्रमण से होती है, इंजेक्शन लगने से या मच्छर होने से, या आपकी सांस से होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके शरीर के अंदर एंटर करती है, वायरस हुआ, फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, या कोई भी चीज़ की हुए, अगर इन सब चीज़ों से आपको लड़ना है तो आपको केवल इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी अच्छी है, ना कि मलेरिया के मच्छर का साइज़ कितना बड़ा है और क्या उसके लिए कोई इंजेक्शन बना है। नहीं, ये सारी चीज़ों से आप लड़ सकते हैं अगर आप ये बात जो आज मैं समझाने वाला हूँ वो अच्छी तरह से समझ जाएं। बहुत सारे दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये हिंदी में बनाया जाए, बिकॉज देयर आर टू मेनी वीडियोज, देर आर ऑलमोस्ट 1000 वीडियोज ऑन इम्यूनिटी इन इंग्लिश, और हिंदी के दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने जो डायग्राम बनाया है वो किस तरीके का है। मैं इसको जितना हो सकता है इतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, आपकी जो कोशिकाएँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, अरबों खरबों कोशिकाएँ हैं। कोशिकाएँ मतलब कोई भी चीज़ जो हमको ज़िंदा रखती है, ठीक है, अरबों खरबों हैं, आप समझ नहीं सकते कितने हैं, उसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये रक्त की कोशिकाएं होती हैं, हवा की होती हैं, गैस एक्सचेंज होती है, आपके शरीर के अंदर हवा जाती है, पानी जाता है, खाना जो पचता है, खाना जो पचाया जाता है वो आपके शरीर के अंदर जाता है, और मान लीजिए जो आपकी पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में से भी खाना पचाकर आपके शरीर के अंदर उससे ऊर्जा मिलती है। यही जो ऊर्जा होती है, ये जब भी संक्रमण होता है तो ये ऊर्जा होती है सबसे पहले उसी पर अटैक होता है, जो एनर्जी होती है आपकी उसी के ऊपर सबसे पहले अटैक होता है। हमारे शरीर की भी लड़ने की एक प्रक्रिया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप अगर वो भी समझ जाएं तब आपको समझ में आ जाएगा कि जब बुखार होता है आपको या जब आपका तापमान बढ़ता है शरीर का, तो आपके शरीर के लिए कई बार अच्छा होता है, कैसे वो देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेल और उसका एक बॉर्डर ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी सिटी में हैं, कहीं पर भी आप किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में आप बसते हैं, और आसपास की कोई भी शहर है या आसपास की कोई भी जो देश है, अगर वो यहाँ पर आपके बम डालता है तो 100% अगर यहाँ पर एटम बम गिरेगा तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उनकी मृत्यु होगी। बट क्या यहाँ से बम डालना एकदम आसान होगा? नहीं। सो हमारे पास अपनी एक बॉर्डर है, सो हम पानी को अपनी तरफ से रोकते हैं, नेवी से बॉर्डर जो है हमारा वो उसके लिए आर्मी है। हमारे पास अपने अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए एक तरीका है, बिल्कुल हमारे शरीर का भी एक तरीका है, हमारी जो त्वचा है वो भी उसी का एक तंत्र है। ठीक है, सो हमारे शरीर को बहुत सारे बाहर की चीज़ों से बचाने के लिए, बाहर की चीज़ें जैसे दुश्मन, वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, या कोई मच्छर है वो आकर काटता है, वो अपना डंक मारता है आपको, ऐसी कोई भी चीज़ जब आपको अटैक करती है, जब आपके ऊपर हमला करती है, तो हमारे शरीर के अंदर अपना एक तंत्र है, हम उसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं। ये बिल्कुल एक बॉर्डर की तरह ही काम करता है। सो सबसे पहली चीज़, जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो वो आपके शरीर के अंदर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अंदर ना आ जाए। तो अभी का जो वायरस है जिसको हम लोग कोरोना या कोविड-19 बोलते हैं, ये रीसेंट वर्जन है इस वायरस का। हर साल जब वर्जन जब कोई वायरस आता है तो अपने आप को बदल कर आता है, वो बहरूपिया है, वो चौगे बदलता है, वो अपना जो पूरा पूरा मेक ओवर कर लेता है, वो अलग तरीके से आता है, और एक बार वो अंदर घुस जाए फिर वो यहाँ पर आने के बाद नुकसान शुरू कर सकता है। अभी जो वायरस है कोरोना का, ये बहुत बड़ा बहरूपिया है, ये ट्रांसम्यूटेट कर चुका है, मतलब ये जानवर की बॉडी से, जानवर की जो कोशिकाएं हैं उसको बदल कर हमारे शरीर में रहना जानता है। सो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर सेल्स हैं, टीबी के सेल्स होते हैं, टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो आपके शरीर में रहते हैं, कई कई साल तक रुके हुए रहते हैं आपके शरीर के अंदर। क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरीके से अटैक कर सके। सबसे पहली चीज़, तब तक ये इसकी अपनी अपनी कोई ताकत नहीं है जब तक ये अंदर ना आ जाए। तो एक बार ये अंदर आ जाए उसके बाद आपके सेल्स पर काबू कर लेते हैं,
और यही सेल की जो ऊर्जा होती है, आपकी ही कोशिकाएं होती हैं, उसकी ऊर्जा लेकर ये डुप्लीकेट करते हैं खुद को। इसका मतलब होता है इनकी संख्या ये बढ़ाने लग जाते हैं एक बार आपके शरीर के अंदर आ जाए तो। अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सांस से आ सकते हैं, डंक से आ सकते हैं, इसका मतलब डंक मार कर आ सकते हैं आपकी सांस के अंदर आने के बाद, या तो पानी से आ सकते हैं, खून से आ सकते हैं, टू मेनी वेज, इनके बहुत ज़्यादा तरीके हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे देश के अंदर कई लोग बाहर से आ जाते हैं, राइट। सो वेन एवर देर इज, जब भी अंदर कोई दुश्मन आता है तो वो किस तरीके से आता है, पानी के रास्ते से आता है या हवा के रास्ते से आता है, किसी ना किसी रास्ते से आता है, एक बार अंदर आ जाए तो वो नुकसान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हमारे शरीर के रक्षा के तंत्र की, इसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का पहला स्रोत है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर हमेशा खून के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जो घूमती हैं, उसमें की एक शक्ति है वाइट ब्लड सेल। ये घूम घूम कर देखती हैं कि यहाँ पर कहीं पर कोई संक्रमण हुआ है क्या, पूरे शरीर में आपके घूमती हैं और देख कर बताती हैं कि आपको कोई संक्रमण हुआ है क्या। ये अकेले नहीं रहते, इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, हेल्पर सेल्स रहते हैं, टी सेल्स रहते हैं, यानी इनका खुद का भी एक खबरी तंत्र है, इनको भी खबर पहुँचाने वाले कोशिकाएं रहती हैं। तो ये पूरे शरीर में आपके घूमती हैं और देखती हैं बाहर से कोई भी वायरस आया है तो वो आपके शरीर के अंदर, या आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको बोलते हैं। अब टी सेल्स होती हैं, किलर सेल्स होती हैं, इसका मतलब वो जाकर ये जो वायरस रहता है उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे भी कोशिकाएँ हैं जो एक बार इस वायरस को मारे तो खुद भी मर जाती हैं, तो वो सुसाइड की तरह ही अपना काम करती हैं। तो एक बार अगर वायरस को मार लें उसके बाद खुद भी मर जाती हैं, उसके अलावा वो अपनी तरफ से खबर भी देती हैं, इनकी मेमोरी भी होती है। सो ये बिल्कुल एक अंदर का अपना प्रजातंत्र है पूरा, जो आप देख रहे हैं आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, ये अपनी एक सेना है इनकी, जिसके अंदर इनके खुद के खबरी होते हैं, इनके खुद के सेनापति होती हैं, छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीज़ों का सूचना देने का काम करती हैं। तो मान लीजिए आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मलेरिया आया था या कोई डेंगू आया था, तो आपके शरीर में आता है, आपके जो खून है वो समझ जाता है कि भैया इसको मारा कैसे जाए। अब इनका खुद का भी एक तंत्र है, ये बहुत दिन तक इस चीज़ को संभाल कर रखती हैं अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके शरीर के अंदर कोई अटैक होता है तो आपके जो शरीर का यंत्र है इसको संभाल कर रखता है, कई बार इसको समझने की कोशिश करता है कि इसको कैसे मारा जाए, और एक बार समझ में आ जाए इसको तो ये इसके लिए एंटीबॉडी बनाता है, वो इसका जहर होता है। तो इसको जहर की तरह यहाँ पर एक काम भी होता है, ये अंदर का ही काम है, बंदूक या गोली बनाने का, तोप गोले बनाने का, तो वो भी ये यंत्र करता है, इसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। ये इसको जाकर मार देता है, वो इसका काम है। उसके अलावा इनको और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो इनकी मदद करती हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, इसका मतलब जो हम पैदा होते हैं लेकर। दूसरी होती है कंपोनेंट इम्यूनिटी, इसका मतलब होता है वो इनकी ही मदद करती है, और इसके अंदर ढेर सारी करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी प्रोटीन की सेल्स होती हैं जो बताती हैं कि भैया इससे पहले ऐसा कोई अटैक हुआ था, इसको मारने के लिए इसकी जहर क्या है, इससे पहले आपने अगर डेंगू आया था आपके शरीर के अंदर, या मलेरिया हुआ था, या टीबी हुआ था, या जो भी तरीके का संक्रमण हुआ था, इसको हम कैसे मारें। तो इनके पास अपनी खुद की मेमोरी सेल भी होती है, इनकी खुद की स्मरण शक्ति होती है, तो वो ध्यान में रखते हैं। एंटीबॉडीज भी बनाने का ये काम करते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं जो इन सारी चीज़ों को मार कर फ्लश करने का भी काम करते हैं। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर संक्रमण हुआ, उसको मारा गया, उसके बाद शरीर से निकाला गया, ठीक है। सो यहाँ तक आप समझ गए, और यहाँ से ये भी समझ गए कि जब तक ये आपके शरीर में नहीं आता, संक्रमण नहीं करता, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये किसको ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और जो लोग हमेशा स्ट्रेस में होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप सिकुड़ी हुई परिस्थिति में होते हैं। एक इंसान जो बहुत खुश है वो खुली हुई परिस्थिति में, इसका मतलब होता है हम उसको एक्सपेंसिव स्टेट बोलते हैं, ठीक है। एक आदमी जो बहुत खुश होता है वो एक्सपेंसिव स्टेट में रहता है, और उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति हमेशा ऊपर रहती है, इट इज़ ऑलवेज हाई। और एक इंसान जो हमेशा बहुत ज़्यादा घुटा हुआ रहता है, दुखी रहता है, तो उसकी जो संक्रमण की स्थिति रहती है बहुत खुल जाती है। सो हम उसको एक बंद तरीके की परिस्थिति बोलते हैं, जब वो बहुत सिकड़ा हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है। इसीलिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपको कोई भी नाम से कोई भी चीज़ अटैक करे, आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास अपना खुद का हीलिंग सेंटर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ठीक कर देगी, इस पर बहुत भरोसा करना है। और इसी का एक काम ये भी है कि आपके शरीर का तापमान बढ़ा देता है। अगर ये शरीर के तापमान को बढ़ा देगा तो क्या होगा,
सबसे पहली चीज़, आपने सुना होगा कि कोरोना बहुत ही जल्द निकल जाएगा भारत से या किसी भी देश से जहाँ पर गर्मी बढ़ेगी। तो गर्मी बढ़ती है तो ये बाहर रह नहीं सकता। इसी तरीके से आपके शरीर का भी एक तंत्र है जहाँ से उसका जो तापमान है वो बढ़ाया जाता है। तापमान बढ़ने से भी अंदर के जो वायरसेस हैं वो मर जाते हैं। कौन लोग मरे हैं दुनिया में? ऐसे लोग मरे हैं जिनको जैसे ही बुखार आया तो उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिए गए, जिसका मतलब, उसका मतलब ये होता है आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, बुखार बढ़ता है आपका, ठीक है, अब बीमार होते हैं ज़्यादा, तो आपके बदन का जो तापमान है वो बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे पसीना आने लग जाता है, शरीर के जो फ्लूइड्स होते हैं वो निकलने लग जाते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं आपके, और वो जो तंत्र है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको छींक आती है, खांसी होती है, वो भी इससे ही लड़ने का एक तरीका है। सो हमारे शरीर के अंदर बहुत तरीके हैं, इससे हमको भागना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा बुखार आया और डॉक्टर के पास आप भाग लिए, आपने एंटीबायोटिक्स ले ली। अब ये कमज़ोर कब हो जाता है? जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने वाले लोग हमेशा मुश्किल में रहते हैं। क्यों? जैसे ही वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक का काम है सिर्फ मारना, सिर्फ मारता है वो, सिर्फ बुरों को नहीं मारता है, अच्छों को भी मारता है। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, एंटीबायोटिक मतलब वो जो बायोटिक्स होते हैं उसकी एंटी है, इसका मतलब एंटी मतलब उसको मारने की कोशिश करती है, प्रो मतलब उसके साथ वाला, एंटी मतलब उसको मारने वाला। तो आपके बायोटिक्स, ठीक है, जो आपके शरीर को जिंदा रखने के अंदर सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स उसको मार देते हैं। अच्छा है बुरा है भैया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम है केवल मारना। ये ऑफ कोर्स एक पाश्चात्य माइंडसेट है, इस तरीके का दिमाग जो है, बस केवल मारो मारो मारो, ठीक है, बीमार को, बीमारी को नहीं, बीमार को भी मार दो, ठीक है, दैट्स व्हाट यू नो, इसी को बोलते हैं पाश्चात्य मानसिकता। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आप अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति हमेशा कम रहती है। यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति हमेशा कम होती है, ओके, और वायरस इसको सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ से मिल, किस चीज़ से मिलती है? एक सबसे पहली चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर का प्रॉब्लम है, तो आपका पैनक्रियास, ठीक है, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, ये वो सारे एंजाइम्स नहीं बना पाता, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, आपने देखा होगा एंजाइम्स लिखा है, ये वो सारे केमिकल्स नहीं बना पाता। शक्कर जब ज़्यादा आपके शरीर में रहती है तो आपका शरीर एक परिस्थिति में पहुँचता है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। उस परिस्थिति में भी देखा गया है कि आपके एंजाइम का रेगुलेशन ठीक नहीं रहता, आपका अग्नाशय वो सारी चीज़ें नहीं बना सकता जिससे इनको मारा जा सके। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं आप, पानी पूरी बर्गर सारी सारी कचरा चीज़ें आप खाते हैं रोज़ रोज़, तब आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस है, तनाव सबसे बड़ा कारण है उसका। अल्कोहल, कुछ लोग हैं जो रोज़ दारू पीते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार, कुछ लोग मात्रा के हिसाब से पीते हैं, बट अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ट्रस्ट मी यू गॉन, बहुत ही जल्दी इस परिस्थिति में आप आएंगे जहाँ पर सिर्फ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। एंग्जाइटी और पैनिक, जो कई लोग होते हैं जो हमेशा डरे हुए ही रहते हैं, हमेशा भड़के हुए रहते हैं, इरिटेटेड स्टेट में रहते हैं, आपने देखा होगा उनको गोलियां लेने की बहुत आदत होती है, वरी बहुत करते हैं, गोलियां लेते रहते हैं ज़िंदगी भर। एंटीबायोटिक्स मैंने अभी आपको बोला था, एंटीबायोटिक्स और रॉन्गली एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स, कई लोग हैं जो घर पर ही डॉक्टर बन जाते हैं, छोटी से छोटी बात होती है एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। सो रॉन्गली एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स किसका मतलब होता है, आपने कभी पता था आपको कि मलेरिया हुआ था, मलेरिया के अंदर आपने क्लोरोक्विन ले ली थी, और आपको जिस टाइम पे भी ऐसा लगता है कि मलेरिया जैसे ही लक्षण है, आपने फिर से क्लोरोक्विन लेना शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है। सो रॉन्गली एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स ये बहुत जानना ज़रूरी है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। जंक फूड, बुरा वाला खाना, जंक फूड जिसको भी बोलते हैं वो, ऑफकोर्स एनिमल मीट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मिलावट होती है एनिमल मीट में, यानी जानवर, जिस जो जो भी लोग जानवर खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, मांस मीट मच्छी जो भी खाते हैं, ये आपको पता ही होगा वुहान शहर से आया है ये एक बैट यानी चमगादड़ से, और फिर पैंगोलिन नाम का एक जीव होता है, इन दोनों को म्यूटेट कर ही ये चीज़ आई है। अब ये सारे एस्टिमेशंस हैं, बट एक बात पक्की है कि ये जानवरों से ही आई है, पर जानवरों को नहीं हो रही है, ध्यान में रखिए। जानवरों को क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जानवरों को ये सारी आदतें नहीं होती, जानवर शुगर नहीं खाते, दारू नहीं पीते, एंग्जाइटी में नहीं रहते, इसीलिए जानवरों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने किसी कुत्ते को निमोनिया होते हुए नहीं देखा होगा, किसी बिल्ली को नहीं देखा होगा कि एक बिल्ली खांस रही है ज़ोर ज़ोर से और उसका कफ निकल रहा है और बाकी बिल्लियों को हो रहा है और उनको टच के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ये इंसानों को होता है क्योंकि इंसानों ने बहुत सारी
फालतू बातें पाल के रखी हुई है। सो देर इज अ लॉट ऑफ फैंसीनेस दैट इज अटैच्ड। सो लोगों को ऐसा लगता है जितनी बड़ी बीमारी उतना मज़ा ज़्यादा, उतना ज़्यादा सोशल वेरिफिकेशन, उतना ज़्यादा फेसबुक पर लोग मुझे सांत्वना देंगे या सिंपैथी देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रलोभन के काम हैं, ये उन्हीं लोगों को होंगे जो इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। प्रपंच करना, चुगली करना, हाँ वो भी इसमें ही आता है। लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, प्रतिक्रिया रखना, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं, एंग्जाइटी और पैनिक में। सो ये था दोस्तों इसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता या ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आपको सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा खाना खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, दाल है, बीन्स हैं, छोले हैं, राजमा है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, ये खा सकते हैं आप लोग। दाल चावल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाल चावल आप ज़रूर ज़रूर खा सकते हैं। किसी भी तरीके के चावल बहुत अच्छे होते हैं, दाल एक बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, ये खा सकते हैं आप लोग। हरी सब्जियां हैं जैसे कि मैंने बोला था, सीड्स हैं, बीज जिसको हम बोलते हैं, सूरजमुखी के बीज और तरबूज के बीज और चिया सीड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। ड्राई नट्स जिसका मतलब होता है अखरोट, बादाम, सूखा मावा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। टोफू है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए ताकि आपके खाने के अंदर प्रॉपर संतुलन रहें। और बेफिक्र रहिए, ऐसा अभी तक मैं किसी को नहीं जानता जो ये सारी चीज़ें खाते हैं और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति खराब है। उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है, मेरी भी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी रही है। मैं बाहर घूम रहा हूँ अभी भी नहीं, जिस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं इससे पहले भी, अगर मलेरिया हुआ है या कहीं पर भी है कुछ भी, उस वक्त मैं कहीं ना कहीं बाहर ही था और मुझे नहीं याद कि मैं कभी भी किसी भी बुरी तरीके की बीमारी से ग्रसित हुआ हूँ, इस तरीके से जिस तरीके से बाकी लोग होते हैं। आई एम नॉट फाउंड ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स और अ लॉट ऑफ पेन किलर्स। अगर ऐसा कुछ होता है मुझे लेने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है। आपको भी मैं यही बोलता हूँ, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी बनाने के लिए आपको क्या करना है, अदरक का जूस पी सकते हैं आप, पालक खा सकते हैं आप लोग, सीड्स यानी बीज जो मैंने बोला है वो खाइए अच्छी तरह से, हरी सब्जियां तो ज़रूर होनी चाहिए, अंकुरित अनाज जो होता है स्प्राउट्स यानी मटकी हुई, ये सारी चीज़ें आप लोग खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। बेफिक्र रहिए, अगर वो आप ठीक ठाक लेते हैं तो बहुत ही जल्दी 3 या 4 दिन के अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे ये कोरोना है, ये एक तरीके का निमोनिया है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी फैलने वाला निमोनिया है। निमोनिया के और इसके लक्षण ये हैं कि निमोनिया एक से शायद एक दूसरे इंसान को ही फैलेगा या शायद नहीं फैलेगा, बट ये एक ऐसी तरीके की बीमारी है, बहुत जल्दी फैल रही है ये, इसीलिए हम लोगों को क्वारंटाइन रखने के लिए या घर में रहने के लिए बोला गया। तो दोस्तों ये था पूरा इसका, ये पूरी इसकी कथा पुराण है। आपको फिर भी अगर कोई सवाल है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। जस्ट इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आपको अगर कोई सवाल है तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं, और भी कुछ होगा तो आप लोग मुझे YouTube पे या तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, टेक केयर।